बड़ी खबर किशनगंज के बहादुरगंज की दुर्गापुर पंचायत से, जहां नदी कटाव से लोग काफी प्रभावित है। तो वहीं संवाददाता मन्नास आलम ने बड़ी जानकारी दी। ऐसे में क्या विधि व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा सवाल है बिहार में सुशासन राज को लेकर बड़ी चुनौती। वार्ड नंबर 1 दुर्गापुर पंचायत में सबसे बड़ी नदी कटाव से लोग प्रभावित है। तस्वीरों पर लेकर हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई? बाढ़ में अगर टूट के घर खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? अभी कोई ठिकाना नहीं हम लोग का कि कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। हम लोग के पास जमीन भी नहीं है कि कहीं जाके घर बनाएंगे ना। तो कोई अभी तक हमारे पास कोई खबर सुनने के लिए आता है। 2-3 बार गया मुखिया के पास, उसको भी बताया जाके कि देखिए हम लोग घर काट रहा है, कहीं कोई व्यवस्था कीजिए, उसमें भी कोई नहीं सुन रहा है। ऐसे में आप लोग नदी के चपेट में है, क्या सरकार से क्या मदद मांगना चाहिए? जगह जमीन नहीं है, जमीन देता सरकार। क्या मांग करना चाहिए सरकार से, क्या उम्मीद लगा रहे सरकार से, क्या मांग करना चाहिए? हम क्या बोल रहे हैं, देखिए ना, हम लोग को गलती बोल में घर है, घर कट रहा है, कोई चीज से मदद नहीं मिलता है, गरीब है, क्या करेंगे? जमीन देखिए कोई चीज का घर कट गया है, रामेश्वर का घर कट गया है, कुछ नहीं उसको मिला है। अच्छा, आपके बीच में कोई विधायक या मुखिया आया था? कोई राहत सामग्री आप लोगों को मिला है सरकार के तरफ से? वैसे ऐसे में उम्मीद नहीं लगा रहे कि आप लोग, उम्मीद नहीं है कि कोई प्रशासन मदद करेगी हमें? कोई नहीं करेगा, देखने के लिए अभी तक देखने के लिए कोई नहीं आया है, तो मदद क्या करेगा? मदद कुछ नहीं। नदी के चपेट में आप लोग हैं, प्रशासन से क्या कहेंगे? आप लोग प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? छाता रहने दी, खुला हुआ नदी। प्रशासन तो हम लोग का किसी तरह का देखभाल करता ही नहीं है। बार बार हम लोग का घर कटते जाता है, नदी के चपेट से हम लोग थोड़ा थोड़ा सड़कते जाते हैं, कई बार कटा के उसके बाद हम लोग घसकते घसकते यहाँ तक आ गए सड़कते, लेकिन प्रशासन आज तक कोई देखभाल तो नहीं किया। चुनाव में क्या रणनीति रहेगा? ऐसे में बिहार में चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर सुशासन राज में सबसे तेजी दिखाया जा रहा है कि विकास हुआ है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि विकास हुआ है? ऐसे में हम लोग का नदी में आज नदी बढ़ जाएगा तो घर द्वार में, घर नदी बढ़ेगा तो घर से बेघर हो जाएंगे आप लोग, जमीन नहीं है आप लोग, कैसे रहेंगे? जमीन नहीं, किसी को जमीन? क्या नाम आपका? कृष्ण चंद्र राम, महादलित टोला में, यहाँ से वहाँ तो किसी क्या नहीं है, जमीन कैसे रह रहे हैं अभी? दूसरे घर पे रहते हैं। दूसरे घर पे, घर अगर भस जाएगा तो कहाँ जाएंगे फिर, क्या करेंगे? अपना घर कट गया है। बिहार के मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे, नीतीश कुमार जी से क्या कहेंगे? घर कट गया है, अभी दूसरे घर में रहते हैं। अरे क्या मांग करेंगे सरकार से आपको, क्या और जमीन जमीन दीजिए, घर दीजिए। प्रशासन कभी आते हैं? ब्लॉक प्रशासन की टीम कभी आते हैं? जिला प्रशासन की टीम कोई भी नहीं आते हैं? पंचायत सेवक नहीं आते हैं, मुखिया नहीं आते। हमारे संवाददाता ने कई जानकारियां जुटाई, जब पता चले पर मिथिलेश विश्वास ने बताया कि ऐसे में यहां बिहार में सुशासन राज भले ही ढिंढोरा पिट रहा हो, रियल में विकास अगर होता तो फिर ये लोगों की नतीजे क्यों होते? लोग नदी कटाव से प्रभावित हैं, स्थानीय विधायक तौसीफ आलम लगातार दावा कर रहे हैं गुणवत्ता विकास हो रहा है बिहार में, सुशासन राज में विकास किस तरह से बढ़ोतरी की ओर है? सबसे पहले तस्वीरों पर आप देख रहे हैं, भले ही सुशासन राज में नीतीश सरकार अपनी रोटियां सेक रहा हो, सुशासन के नाम पर देश को गुमराह कर रहा हो, सच तो यही है कि ऐसे में विकास कोसों दूर है। आज भी लोग नदी कटाव से प्रभावित है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा अब तक कोई बड़ी मदद नहीं दी गई। बड़ा सवाल है कि संवाददाता मन्नास आलम ने बड़ी जानकारी दी, ऐसे में प्रशासन के लोग भले ही गुणवत्ता विकास को लेकर पहल कर रहा हो, क्या यही है पहल? सुशासन राज में विकास को लेकर ढिंढोरा पिटने वाली सरकार का पर्दाफाश। तस्वीरों पर आप देख रहे हैं कि क्या ऐसे में इन गरीबों का क्या होता होगा, ऐसे मकाम पर लोग रहते हैं जहां आज भी उनके लिए कोई सरकार की ओर से विधि व्यवस्था नहीं। तस्वीरों पर आपके मुखिया ज्ञानन मंडल जी हैं, वो कभी आते हैं? कोई नहीं आता। नदी के चपेट में आप लोगों का है, लगभग पता जा रहा 60-70 घर है चपेट में है, नदी कटाव तेज हो रही है, ऐसे में अगर घर से बेघर हो गए तो क्या प्रशासन से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? प्रशासन को हम लोग को कुछ करने के लिए नहीं आता है, ना देखने आता है प्रशासन हम लोग के पास। प्रशासन नहीं आता है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम राम। सीताराम राम, नदी के चपेट में है, घर वर कट रहा है, क्या लग रहा है आपको? नदी बगल में है, वो देखते हैं बाथरूम वाथरूम सब कट गया घर। आप ही का बाथरूम वाथरूम गिरा है? आप घर भी नजदीक आ गया नदी, यहीं से दिख रहा है घर भी कट गया है, घर भी कट गया, टिकल भी जा रहा है। अच्छा, स्थानीय प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से
अभी तक कोई मुखिया उखिया कोई कुछ नहीं आया था अभी हमसे, ना विधायक आया ना कोई आया अभी तक इधर देखने के लिए हम लोग के लिए। बस पंचायत सेवक को कोई पहचान पहचानता भी नहीं है यहाँ का लोग। पंचायत सेवक क्या किया ऐसा कुछ काम आप बता रहे थे कुछ? रोड बनाया है ना, डेढ़ इंची का दो इंची का ढलाई किया है, बगल में बगल में छत फोड़ करके दे दिया है रोड चला जा रहा है। दूसरी बात महादलित का जो ये दिया गया है मिट्टी, वो मिट्टी कहीं कहीं एक टेलर देकर वो पूरा पैसा नहीं दिया, ये दिया। और चौक के लिए मिट्टी दिया गया 200 टेलर देकर बंद कर दिया, जिसमें कि भारी रकम उठा लिया है। तो ऐसे में प्रशासन के लोगों से क्या कहना? रोड सबको छील मार करके कई बार उठाया। अच्छा, ऐसे में जिला प्रशासन एवं बिहार के मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि कोई यहाँ का माँ बाप नहीं है दुर्गापुर बनगवा के लिए, क्योंकि तीन बार ये मुखिया बन चुका है, तीनों बार घटला ही घटला हुआ, अब कोई मदद नहीं मिल रहा। कोई मदद नहीं, और पंचायत सभा को फोन करने से उनके पब्लिक को डांट लेता।